सारे वीडियो सुनने के बाद स्टॉक मार्केट में एक ही सवाल बच जाता है कि अभी क्या ले लें क्या खरीदने लाया क्या भरोसा नहीं होता कंफ्यूजन बहुत होता है दोस्तों मैं इस वीडियो में बता रहा हूं एक स्टॉक ऐसा जिसको कोई भी डिफेंसिव इन्वेस्टर या ट्रेडर आराम से अभी इकट्ठा कर सकता है बहुत प्रॉमिसिंग है इस वक्त वो ऐसे लेवल पर पहुंच गया है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो स्टॉक का नाम क्या है ये मैं आपको बताता हूं लेकिन सबसे पहले हम समझ लें कि उसका स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी वीकनेस और थ्रेड से पांच गुना ज्यादा है मतलब अगर स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कौन कौन से ऐसी ताकत है कौन कौन से अवसर है उसके पास कमजोरी क्या है उसको क्या खतरे हैं उनसे ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी कई गुना ज्यादा है तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है ये चार्ट में अपने साल भर के को तोड़ रहा है और अगर मैं ऑल टाइम चार्ट में देखूं तो इसने एक बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ दिया है बड़ा रेजिस्टेंस था इसका वन सिक्सटी वन सेवेंटी के लेवल पे अब उसको तोड़ के उसके ऊपर निकल आया है और अपना दूसरा रेजिस्टेंस 200 और 210 को तोड़ने की तैयारी में जा रहा है क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं चलिए मैं आपको क्लू देता हूं ये इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में है ये स्टॉक और बहुत ज्यादा भरोसेमंद है इसकी बिटा वैल्यू बहुत ठीक ठाक है बाजार के साथ धीरे धीरे गिरता है धीरे धीरे चढ़ता है परेशान नहीं करता है दोस्तों आप ठीक समझे दोस्तों का स्टॉक का नाम है एन टी पी सी लिमिटेड यह मिड रेंज परफॉर्मर है आ, मतलब आ, अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक है क्वालिटी में अच्छा है हम अब हम हम आगे जाके ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कैसे अगर हम आ, ऐसे बात करें कि कितने लोग हैं जो इसकी बाइंग को बता रहे हैं तो बहुत सारे एनालिस्ट के अगर उसमें से हम देखें तो मुझे दिख रहा है एनालिस्ट इसको सजेस्ट कर रहे हैं ऐसे हम पूरे बाजार का कंसेंसस देखने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है 172 इसका प्राइवेट लेवल है अभी वन सिक्सटी एट के आसपास क्लोज हुआ है 172 करने पे आप इंट्राडी या बी के लिए पोजिशन बनाए तो भी अच्छी बात है और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वीकली आप इसमें बाइंग शुरू कर दीजिए और तरीका आपका क्या होगा जब आपको लगे ठीक ठाक प्राइस पे ना ज्यादा बढ़ा ना ज्यादा घटा हुआ है तब तो आप पांच हजार रुपए के शेयर खरीद रहे हैं अगर डिप आ गया तो हम दस या पंद्रह हजार के शेयर खरीद ले रहे हैं उस वक्त ऐसे करके वीकली एस इक्विटी की आपकी चलती चली जा रही है जब डिप आता है तो उस एस में आप थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट एड कर सकते हैं मैं यहाँ पे होल्डिंग देखे प्रमोटर की होल्डिंग लगातार बनी हुई है की अच्छी होल्डिंग है बुरी नहीं कह सकते 50 के आसपास की होल्डिंग लगातार पिछले क्वार्टर तक बढ़ती चली जा रही है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थोड़ी कम हुई थी लेकिन अब उसने फिर से रिकवरी दिखाना शुरू कर दी है तो कुल मिला के एन टीपीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक ऐसा ट्रेडर या इन्वेस्टर जो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता वो भी पोजिशन बना सकता है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं इसमें वीकली एस आई पी वन सेवनटी सेवेंटी टू के ऊपर फ्यूचर में ऑप्शन में इंट्राडे या बी टी एस टी में पोजीशन बनाई जा सकती है और इसको लंबे समय के लिए रख सकते हैं अगर ये 210 का अपना हाई तोड़ता है तो 250 300 350 के लेवल पर जाने की कोशिश करेगा दोस्तों तो एक अच्छे स्टॉक का नाम आपके सामने है अब आप उस पर अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए और आ... दूसरा हम यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पे आपको एक स्टॉक की स्टडी साथ में शेयर कर रहे हैं आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमेशा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक के बारे में आप सोच रहे हैं दूसरा आप उसको एक झटके में एक ही लेवल पे नहीं खरीदे तो उसके उतार चढ़ाव सारे एडजस्ट हो जाते हैं आपकी कॉस्ट एवरेजिंग में और फिर थोड़े थोड़े टुकड़े में आपका धीरे धीरे एक थोड़ा बड़ा पैसा इकट्ठ इन्वेस्ट होता है तब तक वो स्टॉक आपको प्रॉफिट में दिखने लगता है तो आपका ये डर खत्म हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में आप गए और आपको किसी ने गन दिखा के लूट लिया ऐसा कुछ नहीं होता है आपके जेब में हाथ डाल के मार्केट पैसा नहीं लेता है आप खुद उसमें पैसा डालते हैं और पैसा बगैर सोचे समझे बगैर जानकारी के डाल देते हैं इसलिए गड़बड़ होती है नहीं तो स्टॉक मार्केट से अच्छा तो कोई असेट क्लास आज की तारीख में है ही नहीं तो उसको सीखना पड़ेगा आपको आप अगर बहाने बनाते रह गए तो आज नहीं तो कई साल बाद आपको बात समझ में आएगी कि मैं चुप गया अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं होता है तो ईमानदारी से अपने पापा या दादाजी या उनके साथ बैठ के चर्चा करने की जरूरत है कि क्या उनके पास कभी इस तरह का मौका आया था कि वो रिलायंस में या इन्फोसिस में या एल में कहीं पैसा लगा सकते थे क्या सोच के उन्होंने टाल दिया क्या परेशानी आ रही थी तो धीरे धीरे आपको यह सुनने को मिल सकता है वो साउंड करेंगे कि नहीं यार पता नहीं गड़बड़ हुई तो हम तो चुक गए ठीक है हम लाखों रुपए नहीं डाल सकते थे पर कुछ सो कुछ हजार तो हम डाल ही सकते थे इसमें तो हमारे पास उसके लिए कोई भी आ, जस्टिफिकेशन नहीं है सिर्फ हम नहीं जानते थे हम फेमिलियर नहीं हो पाए हम कहीं अपने आप में बिजी थे दिन भर भाग रहे थे थोड़ा और पैसा कमाने के लिए दिन भर भाग रहे थे थोड़ा और पैसा बचाने के लिए लेकिन वो पैसा बच के भी बच नहीं पाया वही चीज आपको समझनी है दोस्तों क्योंकि ऑप्शनल नहीं है आपको सीखना तो पड़ेगा ही जानना पड़ेगा ही अगर आपको महंगाई की मार से बचना है तो महंगाई की मार किस तरीके से दोधारी तलवार बन रही है आपको पता लग ही रहा है पिछले साल भर के अंदर अगर आप किसी भी कमोडिटी को जिसको आप डे टू डे यूज करते हैं उसके बारे में विचार कर लेंगे फिर स्कूल और हॉस्पिटल की फी के बारे में विचार कर लेंगे पेट्रोल के बारे में विचार कर लेंगे सारा कैलकुलेशन लगाने के बाद आपको पता लगेगा कि मार्केट में जो डरता है उसको कम इन्वेस्ट करना है जो कम डरता है उसको थोड़ा ज्यादा करना है जो कम बिल्कुल कम डरता है उसको उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट करना है लेकिन इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग का एक रूल है वन टेन का रूल बोलते हैं 110 में से अपनी एज को घटा लीजिए उतना परसेंट आपका ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अगर आपकी पचास साल की उम्र है तो, तो वन तो तो टेन में लगा के रखना चाहिए बाकी इधर उधर में लगा के रख सकते हैं तो ऐसे कई सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल्स है आंखें बंद करने से खतरा नहीं टलेगा से ऑस्ट्रिच बनने से कुछ नहीं होने वाला सामना करना पड़ेगा जिंदगी का और उसके लिए हम साथ हैं आपके आ, आपको यहाँ पे हमारा जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड ऐप का लिंक दे रखा है वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल वन मिनट कोर्स भी बनाया है दोस्तों हमने मिनट कोर्स टेन का होता है लेकिन अभी अगले चौबीस घंटे आप उसको वन थाउजेंड में ट्रिपल नाइन में खरीद सकते हैं डेढ़ सौ वीडियो जो एक एक मिनट के अंदर आपको सिखा देंगे कि मार्केट में क्या करना है कैसे करना है एक मिनट क्यों क्योंकि हमारे पास समय कम है हम हमेशा एक ही तो बहाना बनाते हैं कि टाइम नहीं है भाई टाइम नहीं है मैं तो बहुत बिजी हूं मुझे ज्यादा समझ भी नहीं आता है एक मिनट में अगर ऐसा मिल जाए कुछ कि ये करना है आपको कल और उसका रिजल्ट आपको अगले दिन तक दिख जाए तो फिर तो आप करेंगे ना तो इसीलिए हमने ट्रिपल लाइन में ये कोर्स अभी अवेलेबल कराया कि जिसके पास पैसा भी कम है समय भी कम है और लगन भी कम है वो भी यहाँ पे रास्ता बना के चल सकता है एक बार अगर आपको रिवार्ड मिल गया ना तो बाद में बहाने भाई अपने आप छोट जाती है तो सीखते रहिए स्टॉक मार्केट में हम लोग मिलके इंडिया की इकोनॉमी को भी आगे लेके जाएंगे कैसे अडानी जी इंडिया के दुनिया के टॉप फाइव अमीरों में आ गए हैं क्यों स्टॉक मार्केट की वजह से क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स का इतना बढ़ गया कि वो नंबर टू पे आ गए थे नंबर वन पे भी आ जाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए और महंगाई से लड़ने के लिए अगर आप साथ आना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप हजारों सवाल कीजिए भरोसा मत कीजिए एकदम लेकिन सवाल तो कीजिए तो वीडियो में आप कमेंट करके अपने सवाल पूछिए और फिर हम साथ में सीखना शुरू करते हैं बेस्ट ऑफ लक साथ चलेंगे और मंजिल जो आपने सोची है उससे कई गुना आगे जाएंगे दोस्तों थैंक यू वेरी मच